अर्नाला बीच है। अभी हम थोड़ा सा व्यू लेंगे समंदर का। और ये सब नीचे जो बिछा है वो सूखी मछलियाँ है, ये जो दिख रही है ये सब मछलियाँ हैं सूखी, और ये समंदर है। वाह, लेट्स टेक अ रिवर्स वन। अच्छी हवा चल रही है, 4 o'clock का टाइम है, अच्छी धूप आ रही है। ये रहा हमारा समुंदर। थैंक्स टू आशीष जो मुझे यहाँ घुमाने लाया है, और वो फोन पे लगा हुआ है घंटे में। कौन सी मच्छी है ये? कौन सी मच्छी है? आप क्या करते हो इसको सुखा के? अच्छा, बेचते भी हो? हाँ। तो इसका क्या बनता है? ग्रेवी बनता है ना, टेम्पकी रहता है। अच्छा, ये रोकेता है। अच्छा, और इसका सब्जी बनता है ये वाला? हाँ। इसको क्या बोलते हैं? ये छोटा छोटा है वो करदी बनाते हैं। करदी बनाते हैं और इसी मौसम में सुखाते हैं। हाँ। तो कोई मतलब जैसे अभी टूरिस्ट रोक रहे थे। अच्छा अच्छा, कितने में बिकता है फिर ये? एक किलो के हिसाब से बिकता है? तीन सौ रुपये। अच्छा, तो ये अर्नाला बीच पे मतलब इसी मौसम में, मतलब नवंबर दिसंबर में डालते हैं आप लोग? क्या हर मौसम में करते हैं आप? ज़्यादा तो इसी मौसम में करते हो, मतलब इसी महीने में करते हो आप? अच्छा, थोड़ा सा दिखाएंगे ऊपर लेके? ले लो ऐसे हाथ ही में ले लो, चलेगा। अच्छा, ये फिश है, इसको सुखाया जा रहा है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सबसे अच्छा, लेट्स इंजॉय दिस व्यू फॉर 10-15 मिनट्स एंड उसके बाद थोड़ा और आगे जाके हम घूमेंगे। ये विरार है जो आता है महाराष्ट्र में, और इसको बोलते हैं अर्नाला बीच। मेरे पीछे लंबे लंबे पेड़ दिख रहे होंगे, खाने की चीज़ें दिख रही होंगी, स्टॉल दिख रहे होंगे, मच्छी वालियाँ दिख रही होंगी जो हम मास्क नहीं निकाल सकते, मास्क के साथ ही वीडियो बनाना पड़ेगा। पहले थोड़ा क्लोज व्यू, दिन का व्यू है और वो सब बोटें दिख रही है आपको, सब मछली वालों के फिशरमैन। और इन लोग अभी सारी मछलियाँ, क्योंकि टूरिस्ट आते नहीं हैं तो सारी मछलियाँ यहाँ सुखाते हैं, और ये जगह है जहाँ लोग आके खाते हैं।